गन्ने का भुगतान और बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसका भुगतान न होने से किसान भाइयों को विभिन्न खर्चों के संदर्भ में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बच्चों के स्कूल का शुल्क, शादी विवाह तथा दवाई के साथ साथ दैनिक खर्चों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में चारों ओर लोग लू की चपेट में आ रहे हैं एवं हीट वेव के प्रकोप से अकारण मृत्यु भी हो रही है। बलिया जैसे जनपद में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती जनता के साथ घोर अन्याय है। घरों में छोटे छोटे बच्चे बिजली के अभाव में तड़पते रहते हैं। शहरों में पेयजल भी बिजली से मिल पाता, अतः राष्ट्रीय लोकदल के हम सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपका ध्यान प्रमुख बिंदुओं पर आकर्षित करते हैं। क्या नाम आपका? मैं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष बरेली मोहम्मद मतलू। क्या मामला है जिसको आप आज हमारे जिले के राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह पार्क में इकट्ठा हुए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी के दिशा निर्देशान यहाँ पर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हम 5 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें एक मुख्य मांग है कि गन्ने का जो भुगतान बकाया है उसको पूरा किया जाए। और बिजली की समस्या आज आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो पूरा शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण लो वोल्टेज की एक समस्या बहुत बड़ी है। दूसरा, एक आपूर्ति जो 24 घंटे की दी गई है, और आज मैं समझता हूँ 12 घंटे भी आपूर्ति नहीं दी जा रही, उसी के संबंध में आज हम ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारी मांग अगर नहीं पूरी होती तो हम सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल बरेली मंडल, आज आप ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिलाधिकारी को, क्या मामला है? गन्ने के भुगतान एवं बिजली की किल्लत की वजह से हम लोग आज यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से हमारा काफिला माननीय DM साहब जी के यहाँ पर अपने ज्ञापन देगा कि बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है कि कस्बे में और शहर में और गांव देहात में मतलब वादा करके बिजली हम सही तरीके से देंगे, सही वो देंगे, लेकिन कोई बिजली का अभी कोई प्रावधान सही नहीं हुआ है। ऐसे ही गन्ने का जहाँ भी देखो, जिस मिल में देखो, गन्ने का भुगतान नहीं है, और बहुत गन्ने का काश्कार का पैसा रुका हुआ है, अभी तक कोई भुगतान नहीं है। और जब ये सरकार नहीं थी तो 5 सितंबर को इन्होंने सरकार बनने से पहले जो था भुगतान किया था कि ताकि हमें जनता का वोट मिले, और ये छल करके उन्होंने ये काम किया था। आज जनता, किसान, मजदूर इतना परेशान है, महंगाई अपनी इतनी ऊँचाई पर आ गई है, महंगाई के बहुत ही ज़्यादा, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके और एक ज्ञापन माननीय DM साहब को दे रहे हैं। अभी आपने दिया है ज्ञापन, देने जाएंगे? अब देने जाएंगे।